खातून के शोबे में माइक नंबर 4 में कोई खातून हो तो सवाल कर सकती हैं। मेरा नाम प्रगति है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखती हूँ, तो मैंने साइकोलॉजी में कुछ ऐसे ही ब्लॉग्स वगैरह पढ़ा था कि हम लोग जब पैदा होते हैं हम लोग में बचपन से स्किल्स होते हैं डांस के लिए, म्यूजिक के लिए या वॉइस मॉड्यूलेशन ऐसे कुछ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कोई मुस्लिम है तो इसमें करियर क्यों नहीं कर सकते, डांस एंड म्यूजिक अलाउड क्यों नहीं है? बहन का सवाल है, क्या वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है? और वो ये कहती है कि इंसान में कुछ ऐसे जीन जो स्किल्स पैदा होते हैं डांसिंग के या मॉडलिंग के, तो इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है? मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ देयर इज जेनेटिक्स जीन्स है, लेकिन ये कहना कि स्किल्स एक, अगर आपके अल्लाह ने कुछ आपको हुनर दिया है आपके जीन्स में, उस हुनर का सही फायदा भी उठा सकते गलत भी। वो हुनर की कई चीजें हो सकते, उससे आप एथलीट बन सकते, उससे आप अच्छे काम कर सकते, उससे आप डांसिंग भी कर सकते। तो ये जरूरी नहीं कोई स्किल आपके पास है तो उस स्किल का गलत इस्तेमाल करे। कोई बोला क्या मुझे भाई अच्छी मेरे हाथ की सफाई, हाथ में अच्छे से घुमा सकता हूं तो मैं चोरी करूंगा, वो हाथ की सफाई से अच्छे काम भी कर सकते ना, हाथ की सफाई से सर्जरी कर सकते, इंसान की जान बचा सकते, डॉक्टर बन सकते, उसी हाथ की सफाई से चोरी भी कर सकते। तो हाथ की सफाई का हुनर है अगर आपके पास, उसका अच्छा इस्तेमाल करो। जो आपका मेन सवाल था कि इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है, इस्लाम में वो चीज जो आपको कुरान और हदीस से दूर लेके जाती है वो हराम है, क्योंकि इस्लाम में मानते हैं हम हमारे खवातीन, हम औरतों की इज्जत करते हैं और हम नहीं चाहते कि उनकी नुमाइश करें। हम देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड, जब वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, द वेस्टर्न सोसाइटी इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, एक्चुअली they are degrading the woman. In the name of women's liberalization, they are degrading her to a status of mistresses, concubines, society butterflies with a hidden behind the colorful skin of art and culture. Western society kehti hai ke hum khawateen ko badhawa dete hai, unki izzat karte hai, wo usulan kya kar rahe, media ke zariye, in the name of art and culture, आर्ट और कल्चर के नाम पे वो क्या कर रहे, वो खवातीन को जलील कर रहे। मैं आपको मिसाल देता हूं, आप जो कह रहे मॉडलिंग, मॉडलिंग क्यों करते ऐड के लिए? एक बहुत फेमस ऐड है, जो ऐड है BMW का, आपने सुना होगा BMW के बारे में, जो गाड़ी है जो नौजवान उसे पसंद करते हैं, मर्सिडीज के लेवल की है, मर्सिडीज का स्टेटस है, BMW का भी इक्वल स्टेटस है, लेकिन नौजवानों के लिए वो फास्ट गाड़ी है, उसका पिकअप बहुत फास्ट है। उसके अंदर एक एड में, एक मशहूर एड, मशहूर एड के बारे में मुझे एक शख्स ने कहा कि BMW की मशहूर एड है जिसके आगे एक लड़की खड़ी है, लड़की खड़ी है बिकनी के साथ, और वो एड के आगे लिखा है टेस्ट ड्राइव हर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार, टेस्ट ड्राइव हर नाउ, मतलब इसको घुमाओ, किसको, लड़की को क्या गाड़ी को। तो इस एड के जरिए ये एड हमारी खवातीन, हमारी वालदा, हमारी बहन, हमारी बीवियों को बेच रहा है। मैं पूछता हूं, गाड़ियां अक्सर आदमी चलाते, खवातीन थोड़ी, फिर भी आदमी को मुतासिर करने के लिए ये मॉडलिंग के जरिए, ये डांसिंग के जरिए खवातीन की नुमाइश हो रही है। तो ये वेस्टर्न कल्चर इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन वो क्या कर रहे, वो खवातीन को जलील कर रहे। इसीलिए इस्लाम में, जैसे कि मैंने कहा मेरे तकरीर में, हम खवातीन की इज्जत करते और हिजाब में मानते हैं, इसीलिए हम हमारे खवातीन की नुमाइश नहीं करते। इसीलिए खवातीन का सारा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ दिख सकता है। इसीलिए ये डांसिंग और मॉडलिंग कुरान हदीस के खिलाफ है, इसीलिए इस्लाम में खिलाफ है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 5 में भाइयों के शोबे में कोई गैर मुस्लिम भाई हो? जाकिर भाई से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, लेकिन
मेरे दिल में बहुत सारे सवालात है जो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से है, हमारे हिंदू धर्म में और आपके हिसाब से, माफ करना मैंने आपके हिसाब से बोला, एक्चुअली हमारे हिसाब से ही बोलना चाहिए, लेकिन मुझे एक पंडित ने कंफ्यूज कर दिया है जाकिर साहब। उन्होंने मुझे बताया कि मुसलमान लोग कहते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलना चाहिए, दूसरा कोई भी काम सीधे पैर या सीधे हाथ से शुरू करना चाहिए। तो उन मुसलमानों से जाके पूछो कि दिल तो अल्लाह ताला ने लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड का हाथ नजदीक है हार्ट से, तो क्यों ना काम लेफ्ट से किया जाए, राइट से क्यों नहीं? भाई साहब का अच्छा सवाल है। सवाल के पहले आपने ये कहा कि आप इस्लाम कबूल करना चाहते? जी सर। बाद में इंशाल्लाह आपका सवाल का जवाब मिलेगा तो कबूल करना, मना मत करना। भाई ने सवाल पूछा कि इस्लाम मजहब में मुसलमान जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहते हैं। बिल्कुल सही। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का मतलब इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह के नाम से जो मान है। और हम कुछ भी काम करते हैं तो सीधे हाथ से करते हैं। तो सवाल है कि दिल जब बाएं हाथ से है तो आप शुरू बाएं हाथ से क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल। पहला ये कहना चाहता हूं सब काम हम सीधे हाथ से नहीं शुरू करते, अच्छे काम सीधे हाथ से, अच्छे काम। जो काम मिसाल के तौर पे हम जब मस्जिद में दाखिल होते तो सीधे पैर से दाखिल होते, मस्जिद के बाहर आते लेफ्ट लेग से, हम खाना खाते राइट हैंड से, जब हाजत के लिए जाते तो लेफ्ट हैंड से साफ करते, दोनों को मिलाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका जो सवाल था कि लेफ्ट साइड का हार्ट है तो राइट से क्यों करते, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं, मैं जब मेडिकल कॉलेज में था मुझे सिखाया गया था ये दिमाग जो है ये दिमाग के दो हिस्से हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट। आपका राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को और लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो आपका दिल लेफ्ट के ऊपर है और अक्सर इंसानों का लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इज डोमिनेंट, जिस तरीके से लेफ्ट साइड पे दिल है लेफ्ट ब्रेन और डोमिनेंट है, लेकिन साइंस कहती है कि ऑपोजिट साइड इज कंट्रोल्ड, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि लेफ्ट डोमिनेंट है जिस साइड पे दिल है इसीलिए राइट साइड मोर पावरफुल है। तो साइंटिफिकली आप सही है, दिल लेफ्ट पे दिमाग डोमिनेंट लेफ्ट पे, लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी, आप बिल्कुल सही करते। लेकिन हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि जब आप कोई शर्ट पहनते तो सीधे हाथ से राइट साइड, निकालते हैं तो लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि अक्सर जब इंसान बिकॉज लेफ्ट साइड इज डोमिनेंट वो सिर्फ लेफ्ट साइड को इस्तेमाल करता है, राइट साइड कम इस्तेमाल होता है। तो हमारे रसूल ने कहा है कि कुछ काम राइट से करो कुछ काम लेफ्ट से, जब मैं निकालूंगा मेरा शर्ट तो लेफ्ट पहले निकालूंगा, तो जानबूझ के दैट स्टिम्युलेट्स द राइट साइड ऑफ माय ब्रेन, सो दैट कीप्स द ब्रेन हेल्दी। तो अच्छे काम जब आप करेंगे तो सीधे हाथ से करो, सीधे पैर से करो, लाइक मैं चप्पल पहनूंगा तो सीधा पैर पहले डालूंगा, चप्पल निकालूंगा तो लेफ्ट लेग से पहले निकालूंगा। तो इस तरीके से आई एम स्टिम्युलेटिंग बोथ साइड ऑफ माय ब्रेन, आई बिकम मोर हेल्दी, आई बिकम मोर इंटेलिजेंट, और लेफ्ट साइड का हार्ट है लेफ्ट साइड का ब्रेन, राइट इज मोर डोमिनेंट। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। क्या आपके सवाल का जवाब मिला भाई साहब आपको? जी सर। अभी इस्लाम कबूल करना चाहते? बेशक सर। अपने दिल से? जी सर। और आपके दिमाग से भी? बेशक सर। दोनों से? यस सर। कोई आप पे जबरदस्ती नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं सर। कोई माली दबाव? जी नहीं सर। कोई फिजिकल प्रेशर? बिल्कुल नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? यस सर। आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? दिल से सर। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। मैं अरबी में कहूंगा आप उसे दोहराइए, अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहू
अब्दुह व रसूलु मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है आप मुसलमान हो चुके हैं और मैं अल्लाह सुबहान तआला से दुआ करूंगा कि अल्लाह सुबहान व तआला आपको इसका अजर दे, आपको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह सफलता मिले। और अगर आपको कोई भी सवालात इसके बाद दिमाग में आए तो आप बेशक हमारे इदारे में आ सकते हैं डोंगरी पे, सवालात आते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसका जवाब दे। और आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए बेशक। माइक नंबर एक से भाई साहब सवाल करते हैं। सलाम अलैकुम, मेरा नाम संजय कुमार है, मैं बीए सेकंड ईयर पढ़ता हूँ। मेरा सवाल है कि अल्लाह को साइंस के जरिए से साबित कीजिए कि वो एक है। भाई ने सवाल किया कि साइंस के जरिए साबित करो कि अल्लाह एक है। क्या आप खुदा में मानते? मैं तो मानता हूँ खुदा एक है, लेकिन मेरे पड़ोसी एक ब्राह्मण ने मुझे पूछा था, ये वो नहीं मानता है, वो खुदा में नहीं मानता है। वो क्या करता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो पत्थर पर विश्वास नहीं करता। माशाल्लाह, मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ और पहले से ही मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ। माशाल्लाह, भाई साहब का सवाल है कि वो एक खुदा पे विश्वास करते, पत्थर की पूजा नहीं करते, लेकिन उसका एक पड़ोसी है जो ब्राह्मण है, वो पूछा क्या साइंस के जरिए साबित कर सकते कि खुदा एक है। इसका पूरा जवाब मैं पहले कॉन्फ्रेंस में दिया था, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, जिसमें मैं साबित किया था कि साइंस के जरिए खुदा है और खुदा एक है। पूरी तकरीर तकरीबन 2 घंटे की है, वक्त नहीं है, मैं मुख्तसर सा इसका जवाब दूंगा। उसके लिए भी दूंगा जो खुदा में नहीं मानते और उसके लिए भी जो अनेक खुदा में मानते। अगर कोई नास्तिक मुझसे पूछता है और कहता है कि खुदा नहीं है, सबसे पहले मैं उसे मुबारकबाद दूंगा। क्यों? क्योंकि आम इंसान अंधविश्वास कर रहे, उसके वालिद क्रिश्चियन है तो वो भी क्रिश्चियन है, वालिद हिंदू तो वो भी हिंदू, वालिद मुस्लिम तो वो भी मुस्लिम। ये नास्तिक सोच रहा है कि जो मेरे वालिद खुदा में मानते हैं ऐसे गलत खुदा में मैं नहीं मानता हूं, तो वो सोच रहा है। मैं उसे मुबारकबाद देता हूं क्योंकि उसने इस्लाम का पहला पार्ट, जो शहादत है इस्लाम में, उसका पहला पार्ट का पहला भाग कहा है ला इलाहा, खुदा नहीं है। अभी मुझे साबित करना चाहिए इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूंगा, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो लोग नास्तिक होते या जो साइंस में मानते हैं, जैसे आपके ब्राह्मण है, कुरान साइंस के ऊंचा है, लेकिन जब साइंस उनका मयार है तो मैं साइंस के जरिए साबित करूंगा इंशाल्लाह। जैसे मैंने पहले पूछा था, मैं इस साइंसदान से पूछूंगा कि कायनात कैसे वजूद में आए, तो वो कहेगा ये कायनात वजूद में आए जिसे कहते बिग बैंग। अपनी सारी कायनात एक गोला था, फिर एक धमाका हुआ, फिर गैलेक्सीज हुए, फिर स्टार्स हुए, चांद हुआ, सूरज हुआ, धरती हुई। मैं पूछूंगा कब पता चला, वो कहेगा कि मुझे 40 साल पहले पता हुआ। मैं कहूंगा ये तो मेरे कुरान मजीद में लिखा हुआ है 1400 साल पहले, सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लजीन कफरू, क्या वो जो लोग झुटलाते नहीं जानते, अन्न समावाती वल अर्द, कि ये धरती और आसमान जुड़े हुए थे, कान अदत कर फकना हुआ, और एक धमाका हुआ और वो अलहदा हुए। ये जो आप कह रहे बिग बैंग, ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, इसे कौन लिख सकता है? तो वो कहेगा हो सकता है ये फ्लूक है, फ्लूक गलती से आ गया। आर्ग्यू मत करो, मैं उससे पूछूंगा कि ये जो अपनी जमीन है, ये धरती है, इसका शेप क्या है? तो वो कहेगा पहले हम समझते थे ये धरती है, जमीन चपटी है, फ्लैट है, अभी हमें पता चला कि ये गोल है। तो मैं पूछू कब पता चला, वो कहेगा 1577 में सर फ्रांसिस ड्रेक जब जमीन के गोल सेल किए जहाज में, उसे पता चला कि दुनिया गोल है। मैं कहूंगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है सूरह नाजियात में सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है, वी हैव मेड द अर्थ एज एन एक्सपेंस वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, हमने इस दुनिया को बैदवी शक्ल का बनाया है, पैदे की तरह बनाया है। आज की साइंस कहती है दुनिया पूरी गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से चपटी है बैदवी शक्ल में,
और ये जो दहा है ये ऑस्ट्रिच का पैदा है, शतल मुर्ग का पैदा है। हम देखेंगे ऑस्ट्रिच का पैदा बिल्कुल जियोस्फेरिकल शेप है, दुनिया की शक्ल का है। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है कि दुनिया बैदवी शक्ल की है जो हम आज जानते हैं। ये कौन लिखाएगा? वो क्या हो सकता है कि आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना वो बहुत ज़हन वाले इंसान थे? आर्गुमेंट करो। दूसरा सवाल, ये चांद की रोशनी खुद की है कि दूसरे की है? वो कहेगा पहले पहले हम सोचते थे खुद की रोशनी है, हमें साइंस ने अभी बताया 100 साल पहले 200 साल पहले 300 साल पहले कि चांदनी जो चांद की रोशनी है खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी है। ये कुरान मजीद में सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में लिखा है कि अल्लाह ताला ने सूरज बनाया उसकी खुद की रोशनी है, और चांद है जो चांद की रोशनी है वो बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये कौन लिख सकता है? तो वो आदमी चुप हो जाएंगे। आर्ग्यू मत करो, आगे जाओ। कुरान में लिखा है कि ये आसमान को हमने छत बनाया महफूज। आज साइंस कहती है कि जब ये रेज है, ये रेज जो है अल्ट्रावायलेट रेज, अगर ये आसमान नहीं होगा तो इससे इंसान मर जाएंगे। दिस फिल्टर्स द यूवी लाइट्स, जिससे इंसानियत और जानदार चीज महफूज है। ये कुरान में जिसमें 1400 साल पहले कौन लिख सकता है? वो खामोश रहेगा। इस तरीके से कुरान में लिखा है मोटरसाइकिल के बारे में, कुरान में लिखा है बायोलॉजी के बारे में, कुरान में लिखा है बॉटनी के बारे में, कुरान में लिखा है कि किस तरीके से प्लांट्स पौधे के भी जिन्स है मर्द और औरत, कुरान में लिखा है कि किस तरीके से मधुमक्खी किस तरीके से शहद लेती लिखा हुआ है कुरान में, कुरान में लिखा है एम्ब्रियोलॉजी किस तरीके से बच्चा पैदा होता है, वगैरह वगैरह हजार से ज्यादा आयते साइंस के बारे में। मैं पूछूंगा ये सब कौन लिख सकता है? तो उसका जवाब सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है इस कायनात को बनाने वाला, इस कायनात का खालिक। और इस कायनात का खालिक, इस कायनात के मालिक को हम कहते हैं अल्लाह। और कुरान मजीद में लिखा हुआ है, कुरान मजीद के जरिए मैं ये साबित करता हूं, साइंस के जरिए कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं, और इन 6000 आयतों में से 1000 से ज्यादा साइंस के बारे में कहती है, और कुरान मजीद में एक भी आयत ने जिसे साइंस ने साबित किया गलत है। और कुरान मजीद में ये भी लिखा है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो क्या लायक है। तो कुरान मजीद जब साइंस से नहीं टकराता, सब कुछ सही है, तो उसे ये भी मानना पड़ेगा कुल हुवल्लाहु अहद खुदा एक है। अगर वो ब्राह्मण है तो मैं कहूंगा कि आपके छंदों के उपनिषद लिखा है चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, खुदा एक है दूसरा नहीं है। आपके स्वतः उपनिषद में लिखा है चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता चदीपा, उस ईश्वर के कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं, और कोई रब नहीं, वो सबसे ऊंचा है। यही पैगाम दिया गया श्वेता श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो उस ब्राह्मण को बोलो आप अगर पढ़ेंगे ऋग्वेद यजुर्वेद उपनिषद उसमें लिखा है कि खुदा एक है, और ये साफ तौर पे ऋग्वेद में लिखा है वॉल्यूम नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46, एक कम सत्य विप्र बहुधा वदान्ते, सत्य एक है, हकीकत एक है, ईश्वर एक है, खुदा एक है। और जो इल्म वाले इंसान ईश्वर को कई नाम से पुकारते हैं, तो कई नाम से पुकारने की बिल्कुल इजाजत है, नाम अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110, लेकिन खुदा एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं खुदा में? मानता हूँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप मानते हैं? मानते हैं। तो उसका मतलब आप मुस्लिम है? मैं तो इस्लाम कबूल करने आया हूँ। ओ माशाल्लाह। आप पर कोई भी जोर जबरदस्ती कर रहा है? नहीं। कोई भी दबाव डाल रहा है? मेरे दिल से कर रहा हूँ, और मैं दिमाग से भी कुरान भी थोड़ा पढ़ चुका हूँ माशाल्लाह, और इस्लाम के बारे में काफी कुछ जानता भी हूँ, और मैं मेरे दिल से कर रहा हूँ इस्लाम कबूल, दिल से और दिमाग से। हाँ। तो मैं अरबी में कहूँगा उसको आप जरा ये अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु व रसूलुहु व रसूलुहु मैं
गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है, और पैगंबर है। माशा अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, और मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला से कि आपको इंशाअल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। और मैं जाते जाते कुछ कहना चाहता हूँ, जरूर इस्लाम को अच्छी तरीके से आप बढ़ाना चाहेंगे तो भी अपने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पड़ोसी होते हैं, जैसे मेरे पड़ोसी अशफाक अहमद बाड़गे, इन्होंने मुझे इस्लाम के बारे में बहुत कुछ बताया और कुरान भी दिए पढ़ने के लिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ इस्लाम में हमें दाखिल करने के लिए उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, और मैं ऐसी उन्हें हिदायत देने की अल्लाह से दुआ करता हूँ, और सारे इस्लामिकल लोगों को मैं ये दुआ करता हूँ कि सब सलामत रहे। आमीन आमीन, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं भाई साहब, और आगे यही मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी ज्यादा से ज्यादा इस्लाम के दूसरों मजहब के लोगों को, यानी गैर कौम के लोगों को इस्लाम में लाने की कोशिश करूंगा। आमीन। और सबको नमाज पढ़ाने के भी नमाज के तरीके और बताऊंगा मैं हमारे गांव में, और मैं भी काफी कुछ दिनों से यहां पर नमाज भी अदा किया हूँ, और कुछ जाना भी हूँ इसके बारे में, और मैं देखना चाहता था कि इस्लाम क्या है, और मैं जान चुका भी और देख चुका भी इस्लाम के बारे में, को देखा भी जाना भी फिर कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह पूरे होश के साथ, और मैं पहले से ही ये कि अल्लाह पर ही विश्वास रखता हूँ और उसे ही मानता था, सिर्फ मैं किसके हमारे घर में भी पूजा वगैरह करते थे लेकिन मैं उसके सामने झुकता नहीं था माशाल्लाह, और हमारी माँ हमें मुझे जरूर डांटती थी फिर भी मैं झुका नहीं माशाल्लाह, और मेरे 3 बहन है और मैं खुद ही हूँ अकेला अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी सी बात कही। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपको जो हिदायत मिली आप हिदायत गैरों तक पहुंचाए, और इंशाल्लाह आप जन्नत में जाए। आमीन आमीन।